अस्सलाम वालेकुम, डेली मार्केट रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। कल केसी 100 इंडेक्स में जिस तरह हमने देखा था कि तकरीबन 300 पॉइंट से ऊपर जो है मार्केट गई थी और एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही थी, लेकिन आज जो है उसके बरक्स जो है बिल्कुल उल्टा हुआ और इंडेक्स जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स के साथ जो है बंद हुआ है। ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स तकरीबन 45,491 के लेवल पे बंद हुआ है और इसमें तकरीबन 215 पॉइंट्स का जो है डिक्लाइन देखा गया है। आज सुबह से ही वॉल्यूम्स जो हैं थोड़े से डल रहे और ओवरऑल जो आज ऑल शेयर इंडेक्स के अंदर जो है वॉल्यूम्स हुए हैं वो भी जो है तकरीबन 121 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, लेकिन सुबह से ही वॉल्यूम्स जो है मार्केट में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था। इवन दो के जो कल सीमेंट डिस्पैचेस का नंबर आया उस पर भी हमने जो है एक अच्छी ग्रोथ देखी है, ख़ास तौर पर जो है एक्सपोर्ट साइड पर एक अच्छी ग्रोथ नज़र आई है। इसके अलावा लोकल डिस्पैचेस के अंदर भी जो है वो हमने ग्रोथ देखी है। इसके बाद OMCs के जो डेटा आया था उसमें भी हमने जो है वो जो है उसमें ग्रोथ देखने में आई है और थोड़ी जो है एक्टिविटी वगैरह ऐसा लगा है कि थोड़ी सी मूव हुई है ऊपर की तरफ, लेकिन ओवरऑल जो है वो मार्केट में जो है वो सेलिंग प्रेशर ही रहा और ड्यूरिंग द डे मार्केट जो है वो पॉजिटिव भी गई थी, ऊपर भी गई थी, लेकिन इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुआ और इंडेक्स जो है वो एज अ नेगेटिव आ गया और नेगेटिव पे ही जो है वो बंद हुआ है। रुपी के हवाले से बात करें तो आज एक जो कल एक क्रैक डाउन के हवाले से कुछ खबरें चली थी, कल भी रुपया जो है शाम में नीचे आया तो आज भी तकरीबन 320 के आसपास जो है वो ओपन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है। इवन दो जो ये इंटर बैंक है उसके अंदर जो है वो हमने देखा है कि रुपया जो है वो वीक हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है मेरे ख्याल से इसी तरह रहेगी, ख़ास तौर पे जब तक ये मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस नहीं हो जाती, और पॉसिबली हो सकता है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी में जो एक्सपेक्टेशन अगर उससे कम बढ़ता है पॉल रेट तो यहाँ पे जो है बाइंग वगैरह जो है वो देख सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा काम जो है WTL के शेयर्स में हुआ है, इसके बाद मैपल लीफ के शेयर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ और उसके बाद जो है पाकिस्तान रिफाइनरी के शेयर्स के अंदर भी जो है वो काम हुआ है। कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से बातें चल रही है मिडल ईस्ट के, लेकिन अब तक कोई चीज़ जो है वो मटेरियलाइज या कुछ ऑन पेपर ही है और अब तक कोई चीज़ जो है वो ऐसा सामने नहीं आई है, तो उसमें भी एक थोड़ा से कंसर्न है। इसके अलावा रिजल्ट सीज़न भी तकरीबन जो है वो ख़त्म हो गया, तो एक मार्केट में जो डिविडेंड या फिर अच्छे रिजल्ट्स की वजह से एक थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ थी ऊपर की तरफ वो भी अब जो है म्यूटेड हो गई। तो मार्केट जो है इसी तरह एक रेंज बाउंड और म्यूटेड वॉल्यूम्स के साथ फिलहाल इस वीक जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, और पॉसिबली क्योंकि नेक्स्ट वीक जिस तरह मैंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है और उसके डिसीजन के बाद जो है पॉसिबली मार्केट में जो है वो कुछ जो है वो चीज़ें पॉजिटिव साइड पर जो है देखने में नज़र आ सकती है। थैंक यू।